तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ अमात। आज का व्लॉग एक परदेसी के नाम। इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि जब परदेसी अपने माँ बाप, बहन भाई और तमाम कज़न और दोस्त से जुदा होकर परदेस के लिए निकलता है, तो इस वक्त इसके अंदर के हालात क्या है ये सिर्फ परदेसी जानता है। क्योंकि माँ का वो लाडला बेटा जिसने एक कप चाय तक खुद नहीं बनाई होती, वो सालों अकेला क्या क्या करता होगा, आप खुद सोचिए। तो इतना आसान नहीं है परदेसी होना। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं कि वो बाहर मुल्क में है, बहुत खुश होगा, लेकिन ये सिर्फ परदेसी जानता है कि कैसी ज़िंदगी है परदेस की। ये बाहर से हंसता खिलते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर घर से निकलते हैं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं तो बस और कुछ ना कहूँगा, इन परदेसियों के लिए एक शेर कहूँगा कि हो के हालात से मजबूर चले जाते हैं बेटे अपनी माँ से दूर चले जाते हैं, कि हो के हालात से मजबूर चले जाते हैं बेटे अपनी माँ से दूर चले जाते हैं, घर के आंगन में लाड़ो प्यार से पलने वाले बनकर परदेस पराए चले जाते हैं। खुद से उठकर पानी तक ना पीने वाले आज अपने कपड़े भी धो लेते हैं, जो कल तक घर के लाडले थे आज अकेले में रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराए होते हैं। बाप की जरा सी बात पर माँ को शिकायत करने वाले अब दुनिया के नखरे और बातें भी सह लेते हैं। अपनी पसंद के खाने खाने वाले आज रूखा सूखा भी खा लेते हैं। माँ की गोद में सर रख के सोने वाले आज बगैर बिस्तर के भी सो लेते हैं। अपनी बहनों को छोटी छोटी बातों पर तंग करने वाले आज बहनों को याद कर करके रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराए होते हैं।